हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉर्मल डिलीवरी में कौन कौन से लक्षण जो नज़र आते हैं, जिससे कि आप आसानी से पता लगा सकते हैं आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी। तो आज इसी बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको है जो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो लक्षण बताने वाली हूँ ना, तो जिससे कि आप आसानी से जान पाएंगे आपकी जो डिलीवरी है वो 5 से 6 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं, जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो आपको EDD देते हैं डॉक्टर। EDD का मतलब क्या होता है, एक्सपायर डिलीवरी डेट। ये आपकी एलएमपी के अकॉर्डिंग दी जाती है। एलएमपी मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, कब आया था आपको, उस डेट के अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर आपको EDD देते हैं। और जो आपकी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होती है वो सही होती है, उसको मानकर आप चल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है डॉक्टर आपको EDD दी है, एक्सपायर डिलीवरी डेट डॉक्टर ने दी है उस तक आपकी डिलीवरी हो सकती है, आपकी डिलीवरी उस डेट से पहले भी हो सकती है, 1-2 हफ्ते बाद भी हो सकती है, लेकिन 36 वीक के बाद कभी भी आपकी डिलीवरी जो है हो जाए तो ये नॉर्मल है। 36 वीक के बाद कभी भी अगर आपको लीवर पेन आ जाए तो घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 36 वीक के बाद अगर आपको ये लक्षण जो है नज़र आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 36वीं वीक मतलब होता है 9वां महीना का 1 वीक अगर निकल जाए, 9वें महीने में 9वें महीने का जो 2nd वीक स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाना जो कि होता है 37वां वीक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी नज़दीक आती है तो आपको क्या क्या दिक्कत आती है। तो आपके जो है कमर में आपको ऐठन सी होने लगेगी, पेट में आपका पेट जो है वो टाइट होने लगेगा, पेट में भी आपको कभी कभी जो है ऐठन सी फील होगी। जो आपका पीरियड का टाइम है, टाइम पर आपको पेन होते हैं ना, वैसा ही सेम आपको लगेगा। आपको पेन रुक रुक के होंगे, थोड़े टाइम के लिए होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, तो इसी तरीके से आपको होते रहेंगे। ये आपको इंडिकेट करते हैं बहुत कम समय के लिए कि आपकी डिलीवरी जो है वो किसी भी वक्त हो सकती है। तो इनको जो है फॉल फ्लेवर पेन कहा जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये पेन है जो ये रियल लेवर पेन में बदल जाता है। दूसरा, डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगे, आपको बूंद बूंद करके अगर पानी निकल रहा है डेली, अगर आपको ये हो रहा है। एक ये होता है कि डिलीवरी में 5 से 6 दिन लग सकते हैं, लेकिन एक ये होता है कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगा, बहुत सारा पानी निकल रहा है, आपके कपड़े जो हैं सारे गीले हो गए, तो ये होता है कि आपकी पानी की थैली जो है फट गई है। ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, ऐसे में आपको 1 मिनट भी नहीं रुकना है। तो ये सिम्टम्स होता है, आपकी डिलीवरी 8 से 10 घंटे में हो जाएगी। अब आपको एक बात बता दूँ, ये पानी की थैली जो है वो लीवर पेन होने से पहले भी फटती है और लीवर पेन होने के बाद भी फटती है, और लीवर पेन होने के बाद फट सकती है। तो पानी की थैली जो है अगर फट गई है, लीवर पेन नहीं आया है, तो भी हॉस्पिटल आपको जाना है। और अगर लीवर पेन आ गया है आपको, आप पानी की थैली आपकी फट गई है, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है। दोनों कंडीशन में आपको जो है हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद अगर आपको लूज मोशन होने लगे, 9वें महीने में आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, बार बार आपको अगर पतली पॉटी आ रही है, तो ये सिम्टम्स आपको दिन में 1-2 दिन में आपको जो लीवर पेन आने वाला है, या कुछ ही घंटों में आपको लीवर पेन आने वाला है। क्योंकि जब 9वें महीने में लूज मोशन होने लगते हैं तो ये नॉर्मल डिलीवरी के संकेत होते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स होता है आपको बेबी मूवमेंट, एकदम से अगर कम हो जाती है बेबी मूवमेंट तो आपको ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, और पेट बिल्कुल नीचे की तरफ लटक जाता है।
आप सैड सैड से हो जाते हैं, आपका चेहरा जो है वो एकदम से उतर जाता है। तो ये सिम्टम्स होता है आपकी डिलीवरी का, कि आपकी डिलीवरी का समय जो है वो नज़दीक आ चुका है। मोमेंट आपको कभी भी लगे कि बच्चा मूव करना बंद कर दिया बच्चे ने, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। इससे बिल्कुल देर नहीं करनी आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे, ये नॉर्मल डिलीवरी के तहत इशारा करते हैं। इन सिम्टम्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी। तो हमारी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।